हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम चिकन हांडी बनाएंगे। चिकन हांडी बहुत स्वादिष्ट होता है, बट इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा धैर्य चाहिए होता है। इसको हम स्लो कुकिंग में कुक करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिकन हांडी बनाना। तो चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून दही डाला है। अब यहाँ पर हल्दी डाल लेते हैं, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले मैंने कितने डाले हैं मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए इसको अच्छे से ऐसे ही चिकन को मसालों में ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम ढक के 30-45 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने देंगे। आप लोग चाहे तो होल नाइट भी रख सकते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पे मीडियम हीट में एक हांडी रखा है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 टेबलस्पून घी डाला है। अब इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सिनेमन स्टिक और 3-4 तेज पत्ता डाला है, इसको ऐसे थोड़ी देर भून लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑनियन डाला है, मैंने यहाँ पे एक लार्ज ऑनियन लिया है। अब उसको भी हम ऐसे ही थोड़ी देर भून लेंगे। अब यहाँ पे लीड लगा के थोड़ा सा ऑनियन को सॉफ्ट होने देंगे, हम पकने देंगे। देखिए अब ये हमारा ऑनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और उसको भी थोड़ी देर ऐसे ही भून लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग अवॉइड करना चाहो तो कोई बात नहीं है। अब इसको अगेन लीड लगा के थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। देखिए अब ये हमारा ऑनियन हल्का सा चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटो डाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 लार्ज टमाटो लिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको लीड लगा के ऐसे ही पकने देंगे जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाता। देखिए अब ये हमारा टमाटो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पक गया है वो। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। देखिए ऐसे डाल लेते हैं सारे चिकन को। अब यहाँ पे हमें गैस स्लो कर देना है, क्योंकि अब हमें इसको स्लो कुक करना है, तो इसीलिए गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे जिस बॉल में चिकन मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के चिकन के ऊपर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेके हांडी के चारों तरफ ऐसे चिपका दिया है ताकि ढक्कन अच्छे से लग जाए। अब इसको हम ऐसे ही धीमी आंच में 20-30 मिनट्स ऐसे ही पकने देंगे, अच्छे से कुक करेंगे।
देखिए अब ये 20 टू 30 मिनट्स हो गया है, तो अब हम इसको खोल देते हैं। थोड़ा ध्यान से खोलिएगा क्योंकि ये हांडी बहुत गर्म होता है। देखिए अब ये हमारा एकदम स्वादिष्ट चिकन हांडी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको इमीडिएटली सर्व कर सकते हो रोटी या चावल के साथ।